हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इम्तियाज़ है। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। सो आज कोई लिटरली व्लॉग नहीं होने वाला है। आज एक ऐसा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ जो कि फ्रॉड हमेशा सबके साथ होता है। आप ओएलएक्स तो ऐप यूज़ करते ही हो, अगर आप यूज़ करते हो तो भैया एक फ्रॉड के बारे में आपको आप सुनते होगे, बट आपको पता नहीं होगा वो एक्चुअल फ्रॉड होता क्या है। तो आज मैं वो फ्रॉड आपको दिखाने वाला हूँ। पहले मैं अपने एप्लीकेशन में वो ओएलएक्स ऐप खोल लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ क्या एक्चुअल फ्रॉड हो रहा है ओएलएक्स में। ऐप में बढ़ने से पहले मैं पूरा सिनेरियो आपको समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या था, मेरे फ्रेंड को लेना था एक सेकेंड हैंड बाइक, जो उसका बजट था अराउंड 30-40,000 रुपीज़। एंड उसको ऐसा बाइक लेना था जो कि माइलेज भी ठीक ठाक सा दे देता है और पावर भी उसमें ठीक ठाक सा होता है, लेकिन उसका वैसा बजट नहीं था। अगर वो नया लेने जाएगा, अगर पल्सर 150 का बात कर लो तो अराउंड 1 लाख चले ही जाता है। कोई भी अगर आप बाइक लेते हो जो 150 सेगमेंट में होता है तो 1 लाख प्लस हो ही जाता है। तो मैंने उसको रेकमेंड किया कि भाई सेकेंड हैंड मार्केट में चेक कर, सेकेंड हैंड तेरे को अगर अच्छा डील मिल जाता है तो सेकेंड हैंड परचेस कर ले, कम दाम में अच्छा चीज़ मिल जाएगा। सो उसने जब ओएलएक्स ऐप यूज़ किया तो वहाँ पे एक ऐप, वहाँ पे उसने 2-3 ऐड देखा जिसमें अराउंड 2017-2018 का बाइक था जो कि लगभग अपाची आरटीआर से लेके ड्यूक 200 तक, जो कि 40,000 में ड्यूक 200 ऐसा चीज़ दे रहा था, जो कि लगभग 2018-2017 का था। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो उसको उतना पता नहीं था। उसने क्या किया, डायरेक्टली वहाँ पे जो पिक्चर था, वो पिक्चर मैं अभी आपको दिखा दूंगा, वो पिक्चर में लिखा हुआ था उसका नंबर। तो उन्होंने उसने डायरेक्टली वहाँ पे कांटेक्ट किया और हाँ भाई बोलो, ठीक है ठीक है ओके। सो वो फ्रॉड जो बंदा था, उसने अभी मैं देख रहा हूँ कि जितना भी ऐड था उसका, कम लगभग 3 से 4 ऐड था। ऐसा आपको लिटरली हर रोज़ एक एक करके ऐड मिलेगा। सो 3 से 4 ऐसा ऐड था, लेकिन उसने अभी हटा दिया है, जो कि मेरा फ्रेंड उससे बात कर चुका है। तो अभी मैंने उससे कांटेक्ट किया, एज अ मेरा फ्रेंड के नाम से ही मैंने उससे कांटेक्ट किया है। तो उसका नंबर मेरे पास है अभी, तो उसने उसको मैंने बोला कि भाई मेरे को अपना बाइक का फ़ोटो दो, तभी मैं ख़रीद पाऊँगा। एक्चुअल सीन क्या है, वो आपको पहले, आप जो वहाँ पे कॉल का ऑप्शन रहता है वो चैट आपसे करेंगे ही नहीं, वो जस्ट बोलेंगे कॉल मी, ठीक है। उसमें पिक्चर में दिया हुआ रहेगा या फिर वो टेक्स्ट करके आपको दे देंगे वो नंबर, वो नंबर में आप कॉल करोगे, देन वो आपको आस्क करेंगे ये कि भाई एक काम करो। पहली बात तो ये, वो इंडियन नेवी में काम करता है, वो ये बोलता है कि मैं इंडियन नेवी में काम करता हूँ। तो मेरा शिफ्टिंग हो चुका है यहाँ से दूर में, तो मैं गाड़ी चला नहीं पाऊँगा, जिसके लिए मैं आपको ये मतलब भेज दूँगा, ठीक है। तो आप अगर बोलते हो, एक नॉर्मल सा बायर क्या करेगा, नॉर्मल सा बायर यही करेगा, बोलेगा कि भाई मैं देखने आऊँगा। ऑब्वियसली गाड़ी आप ख़रीद रहे हो तो आप देखने आओगे, तो वो बोलेगा कि देखने की मतलब कोई देखने का क्या है भाई, आप एक काम करो, अपना दाम बोलो और देन ये देखो। उसका मैंने नंबर भी सेव करके रखा है फ्रॉड नाम से, आप देख पा रहे होगे, फोकस में हूँ, पा रहे होगे। तो मैं भी देखता हूँ, चेक करता हूँ क्या बोलता है। हेलो, हाँ कर रहा हूँ भाई, एक मिनट जस्ट आप फ़ोन पे रहो, ठीक है। सॉरी, हाँ 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 ओके ओके, हाँ हाँ चेक कर रहा हूँ जी, एक मिनट। लेकिन ये तो आपका वाइट पिक मैंने देखा था, लेकिन वाइट बाइक देखा था भाई मैंने। हाँ ऑब्वियसली लेना है भाई, तभी ना तुमसे कांटेक्ट किया, मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं, इसीलिए तो बोला कि आज के अंदर मेरे को चाहिए। हेलो, लेकिन आपका एड में तो वाइट कलर का बाइक था। अच्छा, एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। आप वॉइस में क्या भेजे हो,
वॉइस में क्या भेजे हो आपने, व्हाट्सएप में वॉइस में क्या भेजा है? रुक जाओ, मैं तो आपको सुना आपने? ये कुछ बाइक का पिक्स है, आप देख सकते हैं, कुछ ये बाइक का पिक है और फिर से कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। अरे भाई ले रहे हैं तो इसीलिए, मेरा भी काम रहता है, ठीक है? हम मेरा कोई बेकार इंसान हम है नहीं जो आपको परेशान करेंगे, ठीक है? मेरे को अर्जेंट है इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको बोला कि भाई ऑनलाइन वनलाइन का छोड़ो। हेलो, हाँ, मैं खरीदने का, सुनो 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 सुनो, जो खरीदने का रहेगा वो तो तीन चार बाइक देखेगा ना, तो मुझे लगा व्हाइट कलर का, मैंने दो बाइक देखा था, ठीक है? तो व्हाइट कलर का अपाचे एक था, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। अभी होल्ड में आ गए। हेलो, काट क्यों दे रहे हो भाई? हाँ तो वही मैं बोल रहा था, इसीलिए मैं बोल रहा था आपको डायरेक्टली, मैं आके देख के बाइक ले लूंगा, वहां पे आपको कैश दे दूंगा। मतलब क्या प्रोसेस है वो तो मेरे को बोलो। आप कहाँ ड्यूटी करते हो भाई ऐसा? हेलो, आप कहाँ ड्यूटी करते हो? गंदम एयरपोर्ट। आपने बोला सुबह नेवी का ड्यूटी करते हो आप, नेवी में हो आप, नेवी में हो ना आप? अच्छा, इंडियन आर्मी में हो। अच्छा, तो मैं अब क्या प्रोसेस करूँ, आप फाइनल बोलो, मैं अभी करके आपसे मतलब बाइक का ये ले लेता हूँ। भाई देखो, एक दिन में मेरे को चाहिए, ठीक है? आप कोशिश करो एक दिन में हो जाए। ठीक है, तो मैं एक बार में आपको पूरा सुनी सुनी। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं एक बार इसमें क्या बोलते हैं, हेलो, मैंने लेकिन 2000 आप बोले थे ना, 2000 देने, तो 2000 मैंने सेंड किया है। मैं एक बार सुनी सुनी, हेलो, मेरा अकाउंट से तो डेबिट हो चुका है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपका, जो आपने जो ये नंबर दिया ऑफिस का, ऑफिस से मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है? ऑफिस से सर मैं तीन बार बात कर चुका हूँ। ठीक है, मैं बात करता हूँ ना, मैंने दिया है ना, तो मुझे पता है, आईडी वाईडी वो पूछेगा तो मैं बता सकता हूँ जी। थैंक यू। ओके, सो आपने सुना क्या था, ठीक है? वो आपको डायरेक्टली नहीं देखने देंगे, वो डायरेक्टली आपको बोलेंगे कि वो होम डिलीवरी होगा। भैया गाड़ी वो लोग होम डिलीवरी कर रहे हैं, और वो होम डिलीवरी के लिए जो एक चार्ज है 2000 रुपीज़ वो लोग चार्ज कर रहे हैं, जिसमें वो नाम ट्रांसफ़र करके आपको देंगे, उसके लिए 2000 चार्ज कर रहे हैं, जो कि आपका जो बाइक का प्राइस है। मेरे साथ बात हुआ था, 24,000 का अराउंड ऐड था, उसमें वो बोले थे 21,000 में डन हुआ था। ओके, सो वो 21,000 से जो मैं 2,000 दे रहा हूँ, वो 2,000 जो है वो बाइक का चार्ज में ही इंक्लूड रहेगा। उनका बात कुछ ऐसा है, और वो इंडियन नेवी से है, इंडियन एयरफोर्स ना, इंडियन आर्मी से है। अच्छा, जय हिंद जय भारत भी बोल रहे हैं, इतना लॉयल बंदा। अभी मुझे, मेरे साथ क्या बात हुआ है, मैं चेक कराता हूँ। उनको उधर रखो ना, आता है पूरा कैमरा। तो बात कुछ ऐसा हुआ है, तो आपको बोलेंगे कि व्हाट्सएप में हाई बोल के लिखो, और आपका कोई आईडी प्रूफ और एक कॉपी फ़ोटो दो, ठीक है? तो
मैंने आईडी प्रूफ दिया था, फोटो नहीं दिया था। ओके उसके बाद उन्होंने मेरे को कॉल किया, कॉल करके ये बोला कि मैं एक नंबर देता हूँ जहाँ पे गूगल पे या पेटीएम जो ऑफिस का नंबर है, मतलब हेड ऑफिस का नंबर है, वहाँ पे आप पैसे भेज दो 2,000 रुपये, उसके बाद आपका जो संग संग आपका नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो अभी वो नंबर पे मैंने बोला है कि मैंने पैसे भेज दिए, जैसे कि आपने सुना कॉल में, तो अभी मैं कॉल करके पूछूंगा, देखता हूँ वो कौन बंदा रहता है, ये एक जन करता है या फिर 10 जन करता है, ये भी देखना पड़ेगा ना। उस नंबर पे मैं कॉल करता हूँ, ये नंबर आप देख सकते हो, आयुष 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आई थॉट कि मतलब मैं नंबर नहीं दिखाऊंगा, वैसे भी नंबर दिखा के मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज ये आप नंबर देख सकते हो, क्योंकि ये लोग नंबर चेंज करते रहते हैं, इनसे आप नहीं सकोगे। हेलो हेलो जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैंने अभी 2,000 का पेमेंट किया था, एक मतलब मेरा नाम ट्रांसफ़र था, तो वो जो नाम ट्रांसफ़र का लिए मैंने 2,000 रुपया गूगल पे थ्रू भेजा था, वो फेल्ड यहाँ पे दिखा रहे हैं, मैं क्या करूँ अभी? जी 2,000 गूगल पे से, गूगल पे थ्रू मैंने भेजा था, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि मनी हैज़ बिन डिडक्टेड, प्लीज डू नॉट वरी, चेक आफ्टर 24 आवर्स। नहीं संग संग नहीं हुआ, क्या करूं अभी? इतने करने का है तो आपका इसमें रिफंड हो जाएगा, मगर आपका यहां से जो पेड बोल रहा है ना जी, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम से, एक बार और ट्राई कीजिए, नहीं होता तो फोन पे से कर दीजिए। फोन पे तो यूज नहीं करते भैया मैं। चलो तो गूगल पे से अपना ट्राई कीजिए, नेटवर्क के प्रॉब्लम से नहीं हो रहा होगा, हजार हजार लगा के देखिए तब होता है। अरे अभी अगर मेरा ये वाला हो जाए उसके बाद क्या होगा, फिर ये वाला भी चले जाएगा, वो वाला 3,000 एक्स्ट्रा चले जाएगा, फिर जो एक बार फिर बोल पर ऐसा पैसा नहीं आता भैया, मतलब यहां से रिजेक्ट हो कर दिया जाएगा, कोई नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करके एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, मैंने नेट वेट सब चेक कर लिया था, फिर भी ऐसा इशू हुआ। ठीक है ठीक है, थैंक यू। वही सेम बंदा था, आप वॉइस पहचान पाओगे कि नहीं, नहीं पता, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि वही बंदा मेरे से दूसरे नंबर से बात कर रहा है। तो बी वेयर ऑफ दिस थिंग्स, मैं अगर अभी मुझे गारंटीड पता है, अगर मैं लास्ट कॉल लगाता हूँ जो कि फ्रॉड है, उसको मैं ऑफिस में नहीं लगाऊंगा, ऑफिस में लगाऊँ या इसमें लगाऊँ? ऑफिस में ही लगाते हैं। ठीक है, फोकस में लो। हेलो हेलो जी, 1,000 रुपये मैंने भेजा है, देखिए। अच्छा ओके, उसके साथ साथ उसका भी कॉल आया, दोनों मतलब इसका कॉल ऑन गोइंग था, उसने काट दिया मेरा कॉल, और नेक्स्ट बंदे ने फिर मेरे को कॉल किया, मतलब जिससे मैं बात कर रहा था गाड़ी का लेके। एक्चुअली होगा क्या, कोई भी बंदा यहाँ पे सोचेगा शायद, पता नहीं, बहुत किसी के साथ ये वाला चीज़ होता है और हुआ भी है, मेरे कॉन्टैक्ट में 2-3 बंदे के साथ ऐसा हुआ है। बिकॉज देखो, अगर आप 20, आप ये देख सकते हो ये जो गाड़ी है, आपको देख कहाँ कहीं से लग रहा है 21,000 में कोई देगा ये बाइक 21,000 में आपको कोई देगा? और ये फ़ोन आ रहा है, आई थिंक उसी का फ़ोन है, ऑफिस, सो कॉल्ड ऑफिस। हेलो हेलो, हाँ हेलो सॉरी, 1,000 रुपया जी 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 सक्सेसफुल दिखा रहे सर, जिस भाई आपसे डला रहे ना जी, उसके लिए स्क्रीनशॉट मार के भेजिए।
मतलब समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ पे स्क्रीनशॉट तो लेने नहीं दे रहा है, ये कर रहा हूँ तो बोल रहा है ये सिक्योर्ड है। सॉरी सो आपको देख के तो कहीं से फोकस नहीं, देख के कहीं से लग रहा है ये 21,000 का बाइक है। अपाचे RTR 160 है ये। ये 21,000 में 2017 या 2018 कुछ भी 2015 पकड़ लो उसका बाइक कोई भी 21,000 में नहीं देगा। यही बताना था कि बी वेयर ऑफ दिस, ये होते रहता है, बहुत किसी का हुआ है और आगे भी होगा, ये ना हो जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बस बचे रहो, इन लोग से कोई नहीं बचा सकता आपको, एज सिंपल एज दैट, इन लोग से कोई नहीं बचा सकता। अच्छा फिर से कॉल आ रहा है, लास्ट टाइम रिसीव कर लेता हूँ और भांडा मैं फोड़ूंगा अब तो। हेलो हेलो हाँ हेलो हाँ हेलो अरे तुम्हारा आवाज तो पूरा ऐसा लग रहा है कि तुम वही बंदा बोल रहे हो जिससे मैंने बाइक खरीदा। तुम्हारा आवाज वैसे क्यों लग रहा है जिससे मैंने बाइक खरीदा? हेलो हेलो जी बात हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, हेलो आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम अर्पण है। क्या नाम है? अर्पण है। अच्छा तुम इंडियन आर्मी में हो? अरे इसको पहचानते हो राहिल को? क्या? राहिल राहिल पहचानता हेड है तुम लोग का अगर तुम इंडियन आर्मी में हो। अच्छा एक बात बताओ, कितना दिन से सबको चूतिया बना रहे हो? तो देखा आपने कैसे वो भड़क गया। सो बस बच के रहो। सो इतना ही था आज के वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबको ये फ्रॉड के बारे में बताओ कि आगे से किसी कोई ना फंसे, आई होप कोई नहीं फंसेगा। सो यही एक इनिशिएटिव था कि ये फ्रॉड से सब बच जाए। तो इन लोगों को कोई नहीं रोक सकता भाई, एज सिंपल एज दैट, इन लोगों को कोई नहीं रोक सकता। ये नंबर 10 जगह आप ये नंबर पे कॉल करोगे ना, थोड़े देर बाद आपको ऑफ मिलेगा, ठीक है? तो ये लोगों को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन खुद हम लोग समझदार हो सकते हैं। मेरा दोस्त पेमेंट कर देता अगर मुझे पता नहीं होता, मेरा दोस्त पेमेंट आज कर देता और जिसके बाद 2,000 देने के बाद वो गायब हो जाता, ठीक है? ये नंबर आपको स्विच ऑफ मिलता। तो ये लोग के पास 10 नंबर होते हैं, वो अलग से नंबर बना लेंगे। आपको पेमेंट करने के बाद उन लोगों का कुछ खोज खबर कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो प्लीज़ बी वेयर ऑफ दिस। मिलते हैं आप सबको तब तक के अगले वीडियो के लिए। बाय बाय, टाटा शब्बा खैर।